सो हेलो एवरीवन, तो मैं यहाँ पे आपका यूडीसी का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसका डिस्कशन करवाता हूँ। पूरा पेपर को आपको सॉल्व कराता हूँ, तो मैं इसको पार्ट वाइज कराता हूँ, 10 10 क्वेश्चंस का एक बार में कराता हूँ ताकि आप अच्छे से वीडियो को एनालाइज कर पाएँ। तो हमारा यूडीसी का ऑलरेडी कोर्स चल रहा था अभी, उसका अगर आपको टेस्ट सीरीज अगर लेना है तो आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। यूडीसी का जो भी टेस्ट सीरीज है उसमें टोटल 25 टेस्ट हमने रखे हैं, 2000 क्वेश्चंस हैं विद वीडियो सोल्यूशन। इसमें आपका मैथ, जीके, इंग्लिश तीनों कवर हो जाएगा और उसका फीस केवल 500 रखा है ताकि ज़्यादा ज़्यादा स्टूडेंट टेस्ट दे पाएँ और अपना जो भी प्रैक्टिस है अच्छे से कर पाएँ, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आपका टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंडरी का कोई भी कोर्स अगर आपको APSSB का APSC ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर कॉल कर सकते हैं उस टेस्ट के रिगार्डिंग या उस कोर्स के रिगार्डिंग। उसके लिए अगर डेमो अगर आपको करना है तो वो भी अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर वन। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम ऐसा आया है, क्वेश्चन का लेवल काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, फर्स्ट टाइम आया है। तो इस क्वेश्चन को ट्रेडिशनल नहीं, एक मैं आपको जुगाड़ मैथड बता रहा हूँ जिससे आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। उस बात को याद रखना है क्योंकि स्ट्रेट लाइन उन्होंने पहली बार टच किया, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया तो कहीं ना कहीं वो चाह रहे थे कि उसी जुगाड़ मैथड से ही करिए। तो देखिए, अगर कोई भी आपको स्ट्रेट लाइन गिवन दिया है, जैसे कोई भी स्ट्रेट लाइन गिवन दिया है, सपोज करिए स्ट्रेट लाइन इसी को ले लेते हैं, 2x + 5y - 2 = 0। तो दो चीज़ें हैं, इसके पैरेलल लाइन और इसके परपेंडिकुलर लाइन। तो जो भी इसके पैरेलल लाइन होगी, पैरेलल लाइन, तो ये आगे के लिए बात इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रख लीजिए, जो पैरेलल लाइन होगी उसमें ये दोनों सेम होंगे, उसमें भी 2x + 5y होगा। अब ये कांस्टेंट जो होगा ये कुछ और हो जाएगा, तो उसको C1 बोल देते हैं। तो कांस्टेंट की गारंटी नहीं, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, हो सकता है -2 की जगह पे -1 हो जाए, 5 हो जाए, 3 हो जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर पैरेलल लाइन है तो ये गारंटी है कि जो भी 2x है ये भी 2x होगा, ये 5y है तो ये भी 5y होगा, ये गारंटी है। ठीक है, अगर सेम ऐसे ही कोई परपेंडिकुलर लाइन है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन क्या हो जाएगी, तो परपेंडिकुलर लाइन में याद रखना है कि ये एक्सचेंज हो जाते हैं। एक्सचेंज कैसे हो जाते हैं कि जैसे x का कोएफिशिएंट 2 है, y का कोएफिशिएंट 5 है, तो उसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x, मतलब x में आ जाएगा y कोएफिशिएंट और y में आ जाएगा x का कोएफिशिएंट, तो 2y। तो कोएफिशिएंट क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज। तो जो वहाँ पे y के कोएफिशिएंट है वो x में आ जाएंगे और जो x के कोएफिशिएंट है कहाँ पे आ जाएंगे, y में। और जो भी ये बीच का साइन होगा, ये साइन पलट जाएगा, तो ऐसे यहाँ पे साइन प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। और फिर अगेन आई विल से कि कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, तो कांस्टेंट C2 बोल दिया, क्योंकि कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, C2 बोल दिया। ये चीज़ याद रखना है। अब ये चीज़ आप मैच कराइए, किससे मैच कर रहा है, तो देखा जाए तो ये 5x और -2y ये मैच कर रहा है, तो आप सीधे इसको टिक कर दो। तो इसको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं थी इस तरीके से, क्योंकि ये इसके अलावा कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, सीधे ऑप्शन से देख के आप समझ सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि अगर कोई दो नंबर है उसका AM और GM गिवन दिया है, तो देखो अगर कोई भी दो नंबर है उन नंबर को आप एज्यूम कर सकते हैं A और B, उन नंबर को आप क्या एज्यूम कर सकते हैं, A and B। कोई भी अगर दो नंबर गिवन दिए उन नंबर को आप एज्यूम कर सकते हैं A and B। तो आपने A और B दो नंबर एज्यूम कर लिए, तो अगर A और B दो नंबर है तो उनका AM एटमेटिक मीन जो होता है वो होता है A + B/2, नंबर को जोड़ो 2 से डिवाइड करो, और उसकी वैल्यू गिवन दी है AM ऑफ टू नंबर इज 5, मतलब AM 5 है और GM कितना है 4, तो AM की वैल्यू 5 हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि A + B कितना हो जाएगा, तो 2 × 5 कितना हो जाएगा, 10। तो ये पहली इक्वेशन हो गई, ठीक है। फिर GM जो होता है दो नंबर का वो होता है अंडर रूट के अंदर AB, तो GM कितना है 4। अब यहाँ अंडर रूट है तो क्या करो, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, दोनों साइड क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर से रूट कट गया, तो AB की वैल्यू कितना हो जाएगा, 16। अब ऐसे दो नंबर जिनका सम जो है 10 है और मल्टीप्लाई 16 है, ऑप्शन से मैच कराओ, तो 8 + 2 = 10 और 8 × 2 = 16 मैच कर रहा है। 7 और 11 का सम किया, 10 तो आ ही नहीं रहा, तो ये ऑप्शन कट हो गया। 6 + 4 10 तो आ रहा है, लेकिन 6 × 4 = 24 होता है, 16 नहीं आ रहा, तो ये भी ऑप्शन कट हो गया। तो ये ऑप्शन फर्स्ट वाला मैच कर गया। तो ऑब्जेक्टिव में जरूर नहीं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो, आप ऑप्शन देख के ऐसे सही कर सकते हैं। और यही सारी चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ कि हमेशा पेपर को सॉल्व करने का एक टेक्निक होता है, जिस टेक्निक से आप पेपर सॉल्व करेंगे तो उससे आप कम टाइम पे पेपर सॉल्व कर पाएंगे। जैसे स्टूडेंट का ये रहता है कि सर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया, तो कहीं ना कहीं आपने सही से टेक्निक का यूज़ नहीं किया, तो इसलिए टेस्ट सीरीज वगैरह सब चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि आप वो सीखें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन व्हेन द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अ पोल इज √3 टाइम द हाइट ऑफ पोल, ठीक है। तो जैसे कोई भी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग का कह रहा है कि लेंथ ऑफ साइड हो, तो बिल्डिंग की हाइट ही है, उसका साइड हो जमीन में ही बनेगी, ठीक है। तो जो लेंथ ऑफ साइड हो है, जो नीचे वाला,
रूट थ्री टाइम्स है हाइट ऑफ पोल। अगर पोल की हाइट को h बोल दो तो शैडो क्या है, रूट थ्री एच है, ठीक है, रूट थ्री एच। और ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा, वही एंगल ऑफ एलिवेशन पूछ रहा है आपसे, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा टैन थीटा। तो टैन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो h अपॉन में रूट थ्री एच, एच अपॉन में रूट थ्री एच, तो एस से एच कट गया, तो टैन थीटा कितना हो जाएगा, टैन थीटा हो जाएगा आपका, तो यहाँ से आपका टैन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, तो टैन थीटा की वैल्यू आपकी हो चुकी है 1/√3, कितनी हो चुकी है 1/√3, ठीक है। अब टैन में 1/√3 वैल्यू किसकी होती है, तो मैंने आपको याद कराया था स्टूडेंट कि वैल्यू क्या याद रखनी है, 0 डिग्री होता है, 0/30 डिग्री होता है, 45 होता है, 60 होता है, 90, मैंने क्लास में आपको याद करवाया था। टैन का मैंने आपको याद करवाया कि टैन का काम बार बार पड़ता है, तो देखो टैन 0 में क्या हो जाता है, 0 होता है, और सबसे बड़ा नंबर क्या होता है, इन्फाइनाइट, तो टैन 90 क्या होता है, इन्फाइनाइट, दो तो याद हो गए, 0 पहला, इन्फाइनाइट लास्ट, दो याद हो गए, यस और नो। फिर टैन 30 क्या होता है, 1/√3 होता है, टैन 30 क्या होता है, 1/√3। अब क्या करना है, बस ये याद रखना है, टैन 30 1/√3। अब क्या करना है, 1/√3 को हटा दो, 1/√3 में 1 को पहले रख दो और रूट 3 को बाद में रख दो, 1/√3 में दो चीज़ें हैं ना, 1 और √3, तो पहले 1 रख दिया फिर रूट 3 रख दिया, तो टैन 45 1 हो जाता है, टैन 60 √3 हो जाता है। तो इस टाइप से टैन की आप वैल्यू एटलीस्ट याद कर लीजिए, बिल्कुल आपके टिप पे होना चाहिए, क्योंकि टैन बार बार आता है, और मैंने आपको एक टेक्निक सिखा दी याद करने की, ठीक है, मैंने क्लास में भी आपको सिखाई थी। तो 1/√3 किसका है, 30 का, तो टैन थीटा कितना हो गया, टैन 30 हो गया, टैन 30, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 30 डिग्री हो गई, तो 30 आपका आंसर हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। तो जो मैं कराता जाऊँगा उसको रफ करता जाऊँगा, क्योंकि वीडियो में तो आ ही जाएगा, ताकि मेरे को स्पेस मिल जाए, है ना। तो मैं इसी जगह पे आपको सॉल्व करा रहा हूँ, ताकि आप भी समझो कि कितने छोटे स्पेस में आपको वहाँ पे सॉल्व करना है, तो आप ही की तरह मैं इसको लेके चल रहा हूँ, ताकि वो रियल सिचुएशन को अपन टैकल कर पाएँ, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है लेंथ ऑफ रूम गिवन दिया है 5.5, विथ गिवन दिया 3.75, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेविंग द फ्लोर बाई स्लैब्स एट द रेट ऑफ दिस दिस। तो जो फ्लोर है उस पर आपको स्लैब्स लगाने हैं, ठीक है ना, मतलब एरिया कैलकुलेट करना है। तो ये लेंथ और ब्रेथ अलग है, रेक्टेंगल बना, तो रेक्टेंगल का एरिया आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, फ्लोर बाय स्लैब्स एट द रेट, ये तो एरिया कैलकुलेट करना है। तो एरिया क्या हो जाता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 5.5, ठीक है, इंटू 3.75 मीटर स्क्वायर। तो एक मीटर स्क्वायर में 800 रुपये देने पड़ रहे हैं, तो टोटल कितना रुपये देना पड़ रहा है, तो आपने 800 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये एरिया आ गया मीटर स्क्वायर, तो एक मीटर स्क्वायर में 800 रुपये देना पड़ रहा है, तो पूरे एरिया में हमने 800 का मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि पूरा रुपये टोटल कैलकुलेट हो जाए। अब यहाँ पे देखो दो जीरो हैं, पॉइंट के बाद दो डिजिट हैं, तो इन दो जीरो से ये पॉइंट चला जाएगा, क्योंकि इसके बाद दो डिजिट हैं, ठीक है। अब ये 5.5 को हम सॉल्व कर सकते हैं, कि 5.5 में अगर हम पॉइंट हटाना चाहें हटा सकते हैं, नीचे 1 बनाना पड़ेगा, पॉइंट नीचे 1, आगे एक डिजिट है तो एक जीरो लगा दिया, इंटू 375 इंटू 8, ठीक है। अब 5 से इसको कट किया 11, 5 से इसको कट किया 2, 2 से इसको कट किया 4। अब देखो 11 से मल्टीप्लाई करने का मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाई थी, ठीक है, 11 से मल्टीप्लाई करने का, जैसे 375 है, 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 रख दिया, 3 रख दिया, ठीक है। अब इनको जोड़ो, तो 7+5 कितना होता है 12, 1 कैरी ओवर, 3+7 कितना होता है 10, 1 कैरी ओवर मिला, तो 11, तो 1, 1 कैरी ओवर, तो 1 आ जाएगा इसमें जोड़ के, तो ये 4 हो जाएगा, तो 4125 इंटू क्या करना है, 4 इंटू करना है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करो, तो 125 सीधे, 125 इंटू 4 कितना होता है 500, तो 500 लिख दिया, और 4 इंटू 4 कितना होता है 16, तो 16,500 आपका ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट है। तो कैलकुलेशन करते समय भी ध्यान रखिए कि कैसे कैलकुलेशन आप फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा ज़्यादा स्मार्ट वर्क करते हैं, उतना आपका टाइम क्या होता है, सेव होता है, ठीक है। अब मैं ये क्वेश्चन रफ कर रहा हूँ, ठीक है, अगेन, तो अगर आपको ये नहीं दिख रहा है, तो आप उसको वीडियो को पॉज करके फिर समझ सकते हैं, बैक कर सकते हैं, ठीक है, ताकि मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए थोड़ा स्पेस मिल जाए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो रेशियो ऑफ थ्री नंबर्स गिवन दिया 1:2:3। मैंने बोला है जिंदगी में कभी भी रेशियो गिवन दे, आपसे नंबर निकालना है, आप क्या करो, सिंपल उस नंबर पे, उस रेशियो पे कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये 1 है, 1 2x हो गया x, तो पहला नंबर हो गया x, दूसरा नंबर हो गया 2 into x 2x, तीसरा नंबर हो गया 3 into x 3x हो गया। अब कह रहा सम ऑफ देयर स्क्वायर्स 504, इनका तीनों का स्क्वायर का सम करो, तो पहला हो जाएगा x का स्क्वायर, दूसरा 2 का स्क्वायर 4, और x का स्क्वायर x स्क्वायर, तीसरा 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, इक्वल टू कितना 504। अब इनको जोड़ो, तो 9+1 होता है 10, +4 14, तो 14x स्क्वायर कितना हो जाएगा 504।
तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 504 डिवाइड बाई 14। 2 से कट किया 7, 2 से कट किया 252, 7 से कट किया तो 3 टाइम में 21, बचा 4, 42, तो 6 टाइम में 42। तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, तो उसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर, एक्स हो जाएगा 6, ठीक है। अब एक्स 6 हो जाएगा तो नंबर क्या हो जाएंगे, तो पहला नंबर हो जाएगा एक्स ही है तो 6, दूसरा 2 इंटू 6 12, तीसरा 3 इंटू 6 18, तो 6 12 18 आपका ये पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन को टैकल करने का तरीका होता है कि जब भी ऐसा गिवन दे, देखो ये एक वेरिएबल, तीन वेरिएबल हैं, एक इक्वेशन है, हमेशा अगर आपको सारे वेरिएबल सॉल्व करने हैं तो जितने वेरिएबल हों उतनी इक्वेशन होनी चाहिए, ये तो नाइंसाफ़ी है, तीन वेरिएबल एक इक्वेशन। तो उसमें क्या कर सकते हैं, आप किसी दो वेरिएबल को कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन मानना ऐसा है कि ऐसा ना हो कि इक्वेशन डिस्टर्ब कर दे। जैसे अपने वाई को मान लो कुछ भी मान सकते हैं, वाई को जीरो मान लिया तो जीरो टू समथिंग जीरो हो जाएगा, तो वन तो बनेगा नहीं, तो हमने मान लिया कि वाई इक्वल टू वन और जेड इक्वल टू वन, ठीक है ना, दो को कुछ भी मान लिया। अब तीसरा ऑटोमेटिकली एक्स इक्वल टू वन आ जाएगा, क्योंकि वन टू वन पुट करोगे तो एक्स इक्वल टू वन आ जाएगा। अब एक्स वन वाई वन जेड वन सीधे वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, तो वन अपान में वन प्लस वन प्लस में वन की पावर माइनस वन, वन की पावर कुछ भी हो आंसर वन ही आता है, तो ये भी वन हो गया। ऐसे ये भी वन प्लस वन प्लस वन, ऐसे ये वन अपान में वन प्लस वन प्लस वन, वन की पावर कुछ भी हो वन आता है। तो ये हो गया वन बाई थ्री, ये हो गया वन बाई थ्री, ये हो गया वन बाई थ्री, तो वन बाई थ्री कितनी बार हो रहा है, तीन बार, तो ये हो गया थ्री इंटू वन बाई थ्री, थ्री से थ्री कट गया तो वन आपका आंसर आ गया। तो देखने में इतना खतरनाक क्वेश्चन लग रहा था, लेकिन बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, देखने में इतना खतरनाक क्वेश्चन लग रहा था, बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया जी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है। इन अ ट्रायंगल एरिया इज न्यूमेरिकली इक्वल टू पेरीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं अपन, एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, ये अपना एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया, ठीक है। इस ट्रायंगल के अंदर एक इंस्क्राइब सर्कल है, मतलब ट्रायंगल के अंदर एक आपका सर्कल होगा जी, तो एक अपन सर्कल फॉर्म करते हैं, ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल फॉर्म करते हैं, ठीक है। एक सर्कल हो गया ट्रायंगल के अंदर, ठीक है। इंस्क्राइब मतलब क्या होता है कि सर्कल ट्रायंगल के साइड को टच करेगा, सर्कल का एक सेंटर होगा। अब मैंने क्या किया, इनसे इनको मिला लिया, ठीक है। सबसे पहले ट्रायंगल का नामकरण कर देते हैं, तो ट्रायंगल का नाम चिंटू पिंटू नहीं रखेंगे, एबीसी हो गया ट्रायंगल का नाम, ये हो गया ओ। अच्छा एक बात आइए, क्या ट्रायंगल एबीसी अब तीन छोटे छोटे ट्रायंगल में बढ़ चुका है क्या, ओ ए बी पहला, ओ बी सी दूसरा, ओ ए सी तीसरा, तीन ट्रायंगल बढ़ चुका है। तो मैं ये बोल सकता हूँ आपसे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, जो बड़े ट्रायंगल का एरिया एबीसी है, वो किसके बराबर हो जाएगा, एरिया, एरिया शॉर्ट में यार लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी के बाद क्या आएगा, ओ बी सी प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी ए, ठीक है ना, मतलब इसका एरिया फिर इसका एरिया फिर इसका एरिया, तीनों एरिया को सम कर दो तो ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। उसने बोला है कि ट्रायंगल का जो एरिया है न्यूमेरिकली किसके बराबर है, पेरीमीटर के बराबर है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी पेरीमीटर के बराबर हो जाएगा। पेरीमीटर क्या होता है, साइड का सम, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यहाँ तक बात सबको समझ में आ रही है, ठीक है। अब एक चीज़ में और करते हैं कि ये जो आपका सर्कल जो है टेंजेंट सर्कल जो है साइड को टच करता हुआ जा रहा है, तो सर्कल में अगर किसी एक पॉइंट में टच होता है उसको बोलते हैं टेंजेंट, तो हमने उस पॉइंट से सेंटर्स मिलाया। तो सर्कल में थ्योरम होता है कि जो रेडियल लाइन होगी, अब इसको नाम देते हैं एम, इसको एन देते हैं, जो टच कर रहा है इसको एम एन ओ क्यू देते हैं क्यू, तो जो रेडियल लाइन है ओ एम और जो टेंजेंट है इनके बीच में हमेशा एंगल बनता है 90 डिग्री। ऐसे अगर इसको टच करेंगे तो ये भी कितना 90, इसको टच करेंगे तो ये भी हो जाएगा 90, और ये तीनों सर्कल की रेडियस भी हैं, क्योंकि रेडियस क्या होता है, सेंटर से पेरीफेरी को टच करो। अब ट्रायंगल का एरिया निकालने का एक और तरीका भी होता है, अगर ट्रायंगल ओ ए बी को ध्यान से देखें तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस कितना है ए बी, बेस कितना है ए बी, बेस ए बी इंटू परपेंडिकुलर, हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर होता है ए बी इंटू परपेंडिकुलर, ये हाइट, और ये जो हाइट है रेडियस है, तो हाफ ए बी इंटू आर हो जाएगा। ऐसे ट्रायंगल ओ बी सी का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बी सी इंटू आर हो जाएगा। ऐसे ट्रायंगल
ओ सी ए का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ ए सी इंटू आर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए तो ठीक है, यहाँ पे आपने हाफ और इंटू आर कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा ए बी, यहाँ क्या बचा बी सी, और यहाँ क्या बचा ए सी या सी ए बोल दो। अब कमाल की बात क्या है, ये इधर का ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इधर का ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कट गया, तो यहाँ बचा वन, कटने के बाद वन अपॉन में आर बाई टू, टू को यहाँ भेजो तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा टू। तो रेडियस की वैल्यू कितनी आ चुकी है टू, रेडियस की वैल्यू कितनी आ चुकी है टू। तो एक बेहतरीन क्वेश्चन था ये, बेहतरीन क्वेश्चन, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा जी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 58 आपका रेशियो, सॉरी आपका ये पावर एंड एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है कि तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है, तो अगर बेस सेम है मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर क्या जो हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। जुड़ने के बाद ये ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, तो एक्स की पावर क्या हो गया जीरो। अब बेस कुछ भी हो, अगर पावर जीरो है तो उसका आंसर क्या हो जाता है, वन हो जाता है, उसका आंसर क्या हो जाता है, वन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जी, ए, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो 58 का ए। नाउ क्वेश्चन 59, यहाँ पे शायद कुछ रफ हो गया, क्या इज ओल्डर देन एक्स बाई सेवन ईयर्स, ये कौन है, इज ओल्डर देन एक्स बाई सेवन ईयर्स, 15 ईयर्स बैक एक्स एज बात, अच्छा यहाँ वाई होगा फिर, तो वाई इज ओल्डर देन एक्स बाई सेवन ईयर्स, 15 ईयर्स बैक एक्स एज वाज 3/4 वाई, ठीक है, द प्रेजेंट एज ऑफ वाई, ठीक है। तो कह रहा है कि वाई जो है ओल्डर देन एक्स है 7 ईयर्स, तो मतलब अगर एक्स की एज को मैं ए बोल दूँ तो वाई की एज क्या हो जाएगा, ए प्लस 7, क्योंकि 7 साल बड़ा है, ए प्लस 7, ठीक है, 15 साल पहले, तो 15 ईयर्स बैक क्या हो जाएगा, तो एक्स की जो है एज हो जाएगी ए माइनस 15, और वाई की कितनी हो जाएगी, तो ए प्लस 7 वाई की है उसमें 15, तो 15 साल पहले एक्स जो है वाई का 3/4 है, तो जो 3/4 करना है वो एक्स वाले को नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी 3/4 है, हमको बराबर करना है, तो वाई वाले में 3/4 कर देना है, 3/4, ठीक है ना। जैसे मान लो अगर मैं कहता हूँ कि जो 8 है वो 16 का हाफ है, तो अगर बराबर करना है, मैं तो बोल यही स्टेटमेंट रहा हूँ कि 8 जो 16 का हाफ है, लेकिन हाफ यहाँ नहीं करेंगे, ये तो 1/4 हो जाएगा, ये तो 4 हो जाएगा, तो और कम हो गया, आप हाफ करेंगे दूसरे वाले को ताकि बराबर कर सके, है ना, सेम यहाँ पे लॉजिक, ये 3/4 है, आपको 3/4 करना है दूसरे वाले को। अब इसको करना है सॉल्व, तो ये हो जाएगा a माइनस 15 इक्वल टू 3/4, और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा a, अब 7 माइनस 15 क्या हो जाएगा a माइनस 8, ठीक है, अभी जो 4 नीचे डिवाइड में यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो इसको मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, तो 4 ब्रैकेट में a माइनस 15, 3 ब्रैकेट में a माइनस 8, तो 4 के अंदर मल्टीप्लाई करो तो 4a माइनस 15 टू 4 60, 3a माइनस 24, तो 3a को यहाँ बुला लो तो 4a माइनस 3a, 60 को वहाँ भेजो तो प्लस 60 माइनस 24, ठीक है, तो 4a में 3a चला गया, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 36, तो a हो गया 36, a हो गया 36, ठीक है। अब वो क्या पूछा था, x की एज जो कि a है, तो 36 आ गया आपका करेक्ट आंसर, वो x की एज पूछ रहा था, x की एज a माना था, a की वैल्यू आ चुकी है, तो 36 आपका करेक्ट आंसर आ चुका है, ठीक है, तो उसको मैं रफ करता हूँ ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मेरे को थोड़ा सा स्पेस मिल जाए। नाउ क्वेश्चन नंबर 60, कह रहा है मिस्टर बीन, मिस्टर बीन कहाँ से मैथ पढ़ने लगे, चलो कोई नहीं, मिस्टर बीन ऑब्टेंड 70 and 75 मार्क्स इन फर्स्ट टू टेस्ट, ठीक है, दो टेस्ट में 70 and 75 मार्क्स आए, द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60। तो देखो, एक टेस्ट में 70 फिर 75, तीसरे में नहीं पता तो x मान लो, अब तीन टेस्ट हो गए तो डिवाइड बाय 3 करोगे और एवरेज कितना चाहिए 60, 3 का यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 60 इंटू 3 कितना 180, इन दोनों को जोड़ो तो ये हो जाएगा 145 प्लस में x, 145 को यहाँ लेके माइनस करो तो 180 माइनस 145 इक्वल टू x, 10 में 5 गया 5, 7 में 4 गया 3, तो 35 हो गया मार्क्स, 35, तो 35 मिनिमम मार्क्स चाहिए ताकि वो उनका एवरेज 60 आए। तो जैसे मैंने बोला कि 10-10 क्वेश्चन का मैं आपका डिस्कशन कराता हूँ ताकि आप उसको वीडियो को अच्छे से देख पाएँ, वीडियो आपको ज़्यादा लेंदी ना हो, तो 10 क्वेश्चन आपके डिस्कशन हो गए, इनको आप प्रॉपरली एक बार एनालाइज़ कर लो, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि 10 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए कि नहीं क्लियर हुआ है, कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।